हाँ जी बच्चे, जमात अठवीं पंजाबी का जोड़ा कि अठ पाठ पढ़े है पहला, तो नौवा पाठ पढ़े है रुत दे रंग, उन्होंने पहला प्रश्न उत्तर जोड़े थोड़े रह गए सन करा, फिर उस तो बाद दसवें पाठ के प्रश्न उत्तर करा। कि रुत न अपने सोहने होने का हंकार सी? बसंत रुत न अपने सोहने होने का हंकार सी यानी मान सी। सारिया रुत्तों ने बुढ़ी औरत न की दिता? भरपूर आनंद दिता। पुनीत अते उसकी भैन छत उपर क्यों गए? वो छत उपर की वेखन गए सी, आकाश विच सतरंगी पींग वेखन गए। सही शब्द सुन के चुन के खाली थावां भरो, अज ता मेरी सारी डैश भिज गई की भिज गई वर्दी। मैनू डैश तो बहुत चंगे लगते, की चंगे लगते है खीर ते पुड़े। बुढ़ी औरत ने एक खूह तो पानी पीता। हरेक रुत अपने आप न एक दूजी तो वध सोहनी आख रही सी। पिप्पल दियां पत्तियां वेख्या खड़ खड़ गलाई आ। हर रुत अपनी थां सोहनी ते आनंद देन वाली हुंदी है। बुढ़ी औरत अपने पेक्यां तो वापस आ रही सी। पुराने समय विच हुण वांग बसां ते गड्डियां नहीं सन चलदियां। बरसात कालियां चिट्टियां बदलियां दी चुन्नी लहराउंदी होई आई। अगे है जी पंजाबी शब्दां नूं हिंदी ते अंग्रेजी विच लिखो। पत्ते हिंदी दे विच लिखांगे पत्ते, फिर अंग्रेजी दे विच एवें LEAVES लीव्स, यानी कि पत्तियां नूं की कहिंदे आ लीव्स। अगों आंदा है जी उत्तर, गरीब गरीब दा उत्तर हिंदी च लिखांगे निर्धन। पुअर POOR पुअर। फिर उस तों बाद है मूंगफली PEANUT पीनट। अगे बसंत रुत यानी कि स्प्रिंग सीजन SPRING SEASON स्प्रिंग सीजन। अगे प्रकृति, प्रकृति किनू कहिंदे आ नेचर NATURE नेचर। अगला प्रश्न है पंजाबी शब्दों के समान अर्थी हिंदी के शब्द लिखने हैं, यानी सोहनी लिखा होया उनका उत्तर की लिखांगे हिंदी च सुंदर। रुत लिखा होया पंजाबी उनका की हुंदा है रितु। खूह यानी कुआं, घा यानी घास, सतरंगी पींग यानी जिन्हों की आपां इंद्र धनुष कहने। हाँ ये पाठ अपना अठवां है, नौवां है जिहड़ा वो पूरा कंप्लीट प्रश्न उत्तर समेत हो गया है, आपां कॉपी ते करना है। हुण आपां जो कि दसवां पाठ पढ़िया सी कि तुसीं पढ़े लिखे होण दे कुछ प्रश्न उत्तर करांगे। संखेप उत्तर वाले प्रश्न, यानी कि जो छोटे प्रश्न से आप किताब च कर ले सी, हुण आपां जिहड़े वड्डे प्रश्न उत्तर है उन्हां नूं आपां वेखांगे। चंगे विद्यार्थी दे कोई पंज गुण दसने हन। पहला प्रश्न का उत्तर है चंगा विद्यार्थी सफाई का ज्ञान ध्यान रखता है, वह मेहनती हुंदा है, नवें तो नवा ज्ञान हासिल करता रहिंदा है, वह समय की कदर भी करता है, तो उस विच की संजम का गुण भी हुंदा है। ये जो पंज उन्हां दे गुण दसे हन। प्रश्न नंबर दो है विद्यार्थियों ने मुख अध्यापिका जी नूं किसे दे पढ़े लिखे होने संबंधी की उत्तर दिते। इस प्रश्न संबंधी उत्तर दिंदिया मनोहर ने मुख अध्यापका नूं कहा कि वह अपने आप नूं पढ़े लिखे दसन लई अगले नूं अपना सर्टिफिकेट बनवा के। चंद ने कहा कि वह एक तख्ती उत्ते अपना नाँ ते पढ़ाई बारे लिख के बूहे उत्ते ला देंगे। गणवंत ने कहा कि उन्होंने घर वाले ही अगले नूं उन्हां दी पढ़ाई बारे दस सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीन, हरी मोहन दे प्रश्न का मुख अध्यापिका जी ने की उत्तर दिता। मुख अध्यापका ने उत्तर दिता कि सीखन लई स्कूल सचमुची बहुत चंगी थां है, परंतु सीखन वाले होर थावां तो भी सीखते हैं। असी चाहते हाँ तो भावें सारी उम्र ही सीखते रहिए, तुसी भी सदा सीखते रहना, अते नहीं तो साडा भी ज्ञान की है बस ही हो जाएगा, ते तुहानू की हमेशा सीखन की लोड़ है, यानी कि प्रेरणा दिंदे हन। स्कूल तो बिना तुसी होर कित्थे कित्थे सीखते हो? स्कूल तो बिना असी लाइब्रेरी खेडां ते घरां दे विचों भी बहुत कुछ सीख सकते हाँ। ये जो अपना पंजाबी का दसवां पाठ है कि तुसीं पढ़े लिखे हो, ये भी पूरा हो चुके, तो आपां ये काम भी सारा कापी दे उत्ते लिखना है।